जैसे ही रुद्राक्ष के सामने प्रिशा का पूरा सच आता है, वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने आप को संभालने की कोशिश करता है रुद्राक्ष और प्रिशा से मुंह तोड़ जवाब में बात करता है और कहता है कि तुमने मुझसे शादी करके मेरा सब कुछ छीन लिया है ना, लेकिन तुम सारांश को मुझसे नहीं छीन सकती, क्योंकि इसी मंडप में मैं अभी तुम्हारी बहन महिमा से शादी करूंगा। ये कहकर वो महिमा का हाथ पकड़कर खींचकर उसे मंडप में लाता है और कहता है, मैं महिमा से शादी करूंगा ताकि सारांश हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रह जाए। रुद्राक्ष की इस हरकत पर प्रिशा उसे रोकती है और कहती है कि नहीं, तुम अक्का के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रिशा की एक भी बात ना सुनते हुए रुद्राक्ष कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा, किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाए, मैं महिमा से इसी मंडप में शादी करूंगा। महिमा रुद्राक्ष से हाथ छुटाती है और कहती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी क्यों करूं, मैं भला तुम्हारे साथ शादी के बंधन में क्यों बंधूं। और महिमा ये कहकर रुद्राक्ष से शादी करने से इनकार कर देती है। अब ऐसे में देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि क्या महिमा और रुद्राक्ष की शादी हो जाएगी, क्या प्रिशा के सामने अपने ही रुद्राक्ष को किसी और का होता हुआ देख पाएगी प्रिशा, क्या इन सारी चीज़ों के पीछे जो हो रही हैं उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, ये देखना होगा आने वाले एपिसोड में। काफ़ी इंटरेस्टिंग।